हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ परवल और आलू की बहुत ही डिलीशियस सब्ज़ी। रेस्टोरेंट स्टाइल मैं आज परवल आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इसे आप पूरी, पराठे, रोटी या फिर चावल के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर हम ये परवल और आलू की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक पैन लिया है, थोड़ा चौड़ा मैंने पैन लिया है। उसमें मैं सरसों का तेल करीब 3 से 4 बड़े चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा हम ज़्यादा तेल यूज करेंगे, तो थोड़ा तेल को हम गर्म होने देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से मैंने परवल को काट लिया है गोल शेप में। एक परवल का 2 टुकड़ा हमने किया है और यहाँ पर मैंने 2 आलू को इसे बड़े बड़े साइज़ में कट कर लिया है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। तो इसे हम इन दोनों को हम एक साथ इस कढ़ाई में डाल के और इसे हम थोड़ा देर तक भून लेते हैं ताकि अच्छे से ये ऑलमोस्ट पक जाए अच्छे से भूनने के बाद। तो इसे हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम भूनने देते हैं चलाते हुए हम अच्छे से। ये इस तरीके से हम इसे चला लेते हैं और बहुत ही इजी वे में ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही टेस्टी लगती है, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसे हम 5 से 7 मिनट तक इस तरीके से हम इसे कुक होने देते हैं, भुनने देते हैं अच्छे से। तो ये देखिए, ये धीरे धीरे भुनना भी शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, तो इसे हम एक बार चला लेते हैं और उसके बाद हम इसे फिर से हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पे। और उसके बाद हम इसे ढक देते हैं एक लीड से, ढक्कन से, और इसे हम कुक होने देते हैं अंदर से। तो देखिए इस तरीके से, आप देख सकते हैं कैसे भाप निकल रहा है। तो ये देखिए अच्छे से ये कुक हो गए हैं, तो इन्हें हम एक बार और चला लेते हैं। ये इस तरीके से हम चला लेते हैं इसे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारे आलू और परवल अच्छे से भुन गए हैं, तो इसे हम एक प्लेट में हम इसे अब निकाल लेते हैं और हम इस कढ़ाई को थोड़ा टेढ़ा कर लेंगे ताकि इसमें जो ऑयल है ये नीचे से अच्छे से ड्रेन होके एक साइड में चला जाए और उसी तेल में हम फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए, हमने ये आलू और परवल निकाल लिया है। तो ये देखिए, ये तेल उसी कढ़ाई में इतना बच गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा जीरा डालते हैं 1/2 चम्मच के करीब और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालते हैं और उसके बाद 2 तेज पत्ता। इसमें हमें और थोड़े खड़े मसाले डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो हम ये 2 चीज़ हम खड़े मसाले में थोड़ा डाल देते हैं, तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा। तो इसे हम अच्छे से भून लेते हैं और भूनने के बाद यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का प्याज इस तरह से चॉप कर लिया है, तो इसमें हम डाल देते हैं। आप चाहे तो इसमें प्याज का पेस्ट भी करके डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर प्याज पेस्ट नहीं कर रही हूँ और हम इसमें ये चॉप्ड अनियन डाल रहे हैं और इसे हम धीमी आंच पे भूनने देते हैं इस तरीके से रख के। एक बार हम इसे अच्छे से चला लेते हैं, उसके बाद हम इसे भूनने देते हैं इस तरीके से। तो जब तक ये भून रहा है हम इसमें डालने के लिए मसाला रेडी करेंगे। तो ये देखिए, ये भून रहा है, ये सॉफ्ट हो गया है प्याज। तब हम इसे एकदम लो फ्लेम पे करके इसे थोड़ा और देर के लिए कुक कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें डालने के लिए थोड़ा मसाला एक रेडी करते हैं। तो मैंने एक छोटा जार लिया है मिक्सर का और इसमें हम 3 से 4 लहसुन का कलियों को हमने चॉप कर लिया है। उसके बाद 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 1 मैंने ग्रीन चिली को ऐसे कट करके लिया है। और यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज़ का टमाटर ले रही हूँ और इसे हमने काट लिया है और इसे हम एक प्यूरी करेंगे। तो हम अच्छा सा पेस्ट बना के तैयार करते हैं।
तो ये देखिए ये हमारा पेस्ट भी, टमाटो प्यूरी भी बनके रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम देखते हैं कि प्याज, ये देखिए प्याज बहुत ही अच्छे से भून के तैयार हो गया है। तो इसे हमें ओवर कुक कम नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से भून गया है। तो हमने जो मसाला अभी पीसा है, प्यूरी टोमेटो प्यूरी किया है, उसे हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। इसमें जो थोड़े थोड़े टुकड़े टमाटर के दिख रहे हैं, ये पकने के बाद अच्छे से गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसे हम मसाले हम अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने प्याज में, और इसे हम अच्छे से पकने देते हैं ताकि इसमें जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। तो देखिए मसाला भी अच्छे से भुनने लगा है और पानी इसका पूरा सूख गया है, और इसका कलर भी देखिए थोड़ा डार्क कलर हो गया है। तो अब हम इसी प्रोसेस में थोड़ा हम ड्राई मसाले डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, और एक चम्मच मैंने सब्जी मसाला लिया है, आप कोई भी सब्जी मसाला ले सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार हमने डाला है, और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते हैं। हम यहाँ पे जीरा पाउडर या धनिया पाउडर कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम थोड़ा सब्जी मसाला लिया है हमने। आप कोई भी सब्जी मसाला जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। तो ये मसाले अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है इस तरीके से। तो अब हम इसके बाद इसमें हम आधा टीस्पून, सॉरी एक टीस्पून हम इसमें गरम मसाला, होममेड गरम मसाला पाउडर डालते हैं। इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे हम मिक्स कर देते हैं। आप चाहे तो सब्जी पकने के बाद भी इसे डाल सकते हैं, मैं मसाले के साथ डाल रही हूँ। तो ये मसाला हमारा भून के रेडी हो गया है। तो हमने जो ये आलू और परवल निकाल के रखा था भुना हुआ, उसे हम इसमें मिक्स कर देते हैं। अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे ताकि मसालों का जो फ्लेवर है ये सब्जियों में अच्छे से चला जाए, और इसमें नमक या फिर ये जो मसाले हमने डाले हैं वो इवेनली सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हम मिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं कितना इजी वे में ये आलू और परवल की सब्जी बनके तैयार हो जाती है। तो ये मसाले अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसमें हम एक लीड से इसे ढक देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये मसाले अच्छे से सब्जियों के साथ कुक हो जाएं। तो आप देख सकते हैं नीचे से जो सरफेस है उसमें तेल निकलने लगा है, मतलब मसाले अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स हो गए हैं कुक होने के बाद। तो इसे हम चला लेते हैं, और अब हम इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा ग्रेवी जैसी कंसिस्टेंसी लाने के लिए हम इसमें थोड़ा हम पानी डालते हैं। तो जो हमने मसाला पीसा है उसी को हमने डाल दिया है इसमें पानी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप पानी डाला है, हमें इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि हमें इसे थोड़ा ड्राई सब्जी बनाना है, सूखी हुई सब्जी, हमें ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी हमें बिल्कुल नहीं बनानी इसे। तो हम थोड़ी सब्जी पानी इसमें डाल रहे हैं। तो ये देखिए इसमें बॉईल भी आने लगा, तो इसे हम ढक देते हैं 2 से 3 मिनट पर मीडियम फ्लेम पे। तो अब हम इसे निकाल के देखते हैं, तो ये पानी अच्छे से सोक कर लिया है और सब्जियों के साथ, और सब्जियां भी अच्छे से कुक हो गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सब्जी बन के तैयार हो गई है, ये देखिए इस तरीके से। तो हम इसे आलू को एक प्रेस करके देखते हैं, ये बहुत ही अच्छे से आलू पक गई है, ये देखिए इस तरीके से ये आलू भी अच्छे से पक गई है, और परवल भी अच्छे से पूरा पक के रेडी हो गया है। तो ये सब्जी हमारे बन के तैयार हो गई है। तो अब हम गैस को ऑफ करके अब हम इसे सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए हमने एक प्लेट लिया है, प्लेट में हम ये सब्जी को डाल देते हैं। आप ये देखिए बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनके तैयार हो जाती है, और आप इसे ज़रूर बनाइए, आपको भी बहुत ही अच्छी लगेगी ये सब्जी।
यह हमारी आलू और परवल की रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनके रेडी हो गई है। आप इसे खाइए, बनाइए और मुझे बताइए कैसा लगा। उम्मीद है आज का ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद।